आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रेड पेस्ट्री। कभी भी आप छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी में केक बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, या कभी अचानक से आपका भी पेस्ट्री या केक खाने का मन करे तो आप इसे खुद ही घर में बनाकर खा सकते हैं, या कभी भी आपको घर में खुद के लिए भी एक केक बनाना हो तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप लोगों का सेवन स्टार किचन पर स्वागत है। तो इस केक को बनाने के लिए या फिर पेस्ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार ब्रेड ले ली हैं। अब इन चारों ब्रेड को हम एक साथ रख के काट लेंगे, यानी कि इसकी जो ब्राउन पार्ट है उसे हमें हटा देना है। आप इन ब्रेड को एक साथ ही काटें ताकि जो सारी ब्रेड हैं वो एक साइज़ की कटें। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी ब्रेड आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, यानी जितनी नरम ब्रेड होगी उतना अच्छा हमारा केक बनकर तैयार होगा। अगर आप फ्रिज की रखी हुई ब्रेड यूज़ करेंगे तो उससे ये केक इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो चार ब्रेड थी, चारों ब्रेड्स की साइड कट कर ली हैं, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। और इसमें अब हम डालेंगे 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल चीनी का यूज़ कर रहे हैं तो पानी थोड़ा गर्म लेंगे तो जल्दी से चीनी घुल जाएगी। मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे ही पानी लिया है। चीनी को हम पानी में घोल देंगे। तो ये हमारा शुगर सिरप अब रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक बोल में व्हिप करी हुई क्रीम ले ली है। व्हिप करने के बाद क्रीम को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जो व्हिप क्रीम है वो सेट रहे। मैंने यहाँ पर 1 कप क्रीम ली थी जिसे व्हिप किया है। आप चाहें तो मार्केट से व्हिप करी हुई क्रीम भी ले सकते हैं। तो सभी सामान हमने रेडी कर लिए हैं, तो अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है, इस पर हम पहले थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देंगे और अब इसके ऊपर हम ब्रेड की स्लाइस रख देंगे। ब्रेड की स्लाइस रखने के बाद अब हम इस पर शुगर सिरप लगाएंगे। मैंने यहाँ पर शुगर सिरप लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश ले सकते हैं। फ्रूट जूस वगैरह यूज़ करने से इसका जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर ये केक आपको बेसिक केक बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक चीज़ें ही यूज़ किए हैं। शुगर सिरप हमने लगा लिया है, अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। व्हिप क्रीम की जो थिकनेस है आप चाहें तो थोड़ी मोटी या पतली अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बस हमें जो क्रीम है उसे अच्छे से फैला लेना है, चारों साइड से एक बराबर कर लेना है। अब क्रीम के ऊपर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर टूटी फ्रूटी वगैरह डाल सकते हैं या फिर चोको चिप डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्रीम में भी अलग अलग चीज़ें डालकर ये केक बना सकते हैं। अगर आप इसकी क्रीम में अलग अलग तरह की चीज़ें डालेंगे तो जो केक फाइनली बनेगा वो और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। अब हम वापस से सेकेंड लेयर जो ब्रेड की है वो लगा देंगे इस पर। ब्रेड लगाने के बाद फिर से हम इस पर शुगर सिरप लगा रहे हैं। और अब क्रीम लगा देंगे। इसी तरीके से हम चारों ब्रेड लगा लेंगे। तो ये देखिए चारों ब्रेड मैंने लगा ली हैं। अब जो हमारा टॉप है उस पर भी हम अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। और जो इसकी साइड्स हैं उस पर भी अच्छे से क्रीम लगाकर सारी साइड्स को स्मूथ कर लेंगे। तो अब हमारा जो केक या पेस्ट्री जो भी आप कह लीजिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसे अब हम लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो इसकी क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए जो केक है इसे रखे हुए मुझे आधे घंटे हो गए हैं, तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और इसे अब मैं एक पेस्ट्री की शेप देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी। तो अब जो ये केक है इसे मैंने बीच से कट कर दिया, यानी पेस्ट्री की शेप दे दी है। ये देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई नॉर्मल थैली का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक स्टार नोज़ल इसमें लगा लिया है। और अगर आप ये नोज़ल और पाइपिंग बैग का ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो इससे हम अब इसमें छोटे छोटे रोज़ बना लेंगे।
और सेंटर में मैं दोनों पीस में एक एक चेरी लगा दूंगी। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से कटे हुए फ्रूट्स भी लगा देंगे। मैंने यहाँ पर कीवी और पपाया का यूज़ किया है, आप अपनी मर्जी के कोई भी फ्रूट्स यहाँ पर कट करके लगा सकते हैं इसे सजाने के लिए। और लास्ट में मैं इस पर सिल्वर बॉल्स लगा रही हूँ जिससे ताकि और भी सुंदर दिखें। तो ये देखिए बनाने में आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी पेस्ट्री बनकर तैयार है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो चलिए मैं अब आपको ये पेस्ट्री कट करके भी दिखा देती हूँ। आप इस पेस्ट्री को मिनटों में कभी भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।